हाल है, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। पहला का आप सभी को मेरा और मैं प्रीति भंडारी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने ब्लॉग और अपने यूट्यूब चैनल में। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे और आपके प्यार और महादेव की कृपा से हम भी एकदम बढ़िया हैं। सो अभी हो रहा है नहा धो के, हम ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी हूँ मैं रेडी, और सब काम हमारा हो चुका है। और मैं जा रही हूँ अभी मार्केट के लिए, रेडी हुई हूँ क्योंकि मेरी बुआ से जो सबसे बड़ी बुआ रहती है वो रहती है कनकोट मालना के नीचे, तो उन्होंने फाजे आए हैं क्योंकि विक्यासन उनकी मार्केट जो बड़ी मार्केट है, वैसे तो उनके है मोलिखाल उधर के साइड, लेकिन अभी विक्यासन मार्केट आए होंगे वो, बैंक यही है क्योंकि, तो वो कुछ सामान लाए हैं, कुछ सामान भेजा है बुआ ने मेरे लिए, तो मैं सामान लेने के लिए जा रही हूँ, देखती हूँ क्या क्या भेजा है। तो चलते हैं मार्केट पहले, फिर आपसे मिलते थोड़ी देर। ये मेरी बुआ ने भेजा है मेरे लिए 4 मूली, 1 लौकी, 1 झूमी मतलब मैं कद्दू, ये भेजा है। और ये मेरी काशू मैडम यहाँ से आ गई है हंसते हुए। अब हम भात बना, तो अभी हो गया है दिन और मैं आ गई थी तब से, थोड़ा रेस्ट कर लिया, तो अभी बनाती हूँ खाना वाना, बनाने का टाइम हो गया, वैसे भी खाना वाना बनाते हैं। और प्लीज आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार चैनल को। और ये भी दे रखा है, मेरी बुआ ने मेरे लिए घी भी भेज रखा है, घी भी है, मेथी, मेथी तो पापा के लिए है क्योंकि पापा को शुगर है ना, तो पापा के लिए भेजा है ये। और ये छाछ भी आ रखी है, अब बनाते हैं कढ़ी चावल, कढ़ी चावल बनाएंगे, वही भात खाएंगे। बोतल में दूध भी दे रखा है बुआ ने, थैंक यू सो मच बुआ, थैंक यू, आपने इतना सारा सामान दे दिया मेरे को, थैंक यू। ये देखो हमारे घर के आगे बिल्कुल चेंज हो चुका है, पहले यहाँ पर एक पेड़ था, पेड़ कट चुका है उसका नामो निशान। और ये देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं, धूप में भी लगे पड़े हैं बेचारे नेपाली लोग। यहाँ पर बनने वाला है बारात घर, धूप इतनी तेज लग रही है, खतरनाक वाली। और ये है मडुआ, क्योंकि मैं अभी गई हूँ मौसी के उनके वहाँ, तो ये ला रखी है मडुआ को काट कूट के, तो ये सूख गया है, अब इसको कूटने वाले हैं, तो अभी कूटते हैं। मौसी कूट रही है आज मडुआ, मनु कूटे मैं मौसी, डबिंग तो मैं बाद में भी कर लूँ, है मैं बना ला, रुको फिर तुम्हारा कूटे ला जान। पूजा का सर, ये बिकासा मनु है क्या, मनु है मने मलैण मनैण, अच्छा ना हम अपन है बिकासम मनु कनी शायद, और ये वो जो गोर हो लड्डू दो है कि नहीं, घेल घेल लग है ना, हो अच्छा या घेल हो पहल हो, अच्छा अच्छा लड्डू जो नहीं कहीं जानू कासू के लिए बत्ती जानू कहीं जानू जब। और उसके बाद चली गई थी मैं कूटने के लिए थोड़ा, क्योंकि मौसी कूट रही थी और मौसी को बुखार आ रखा था, तो मौसी बड़े हैं, मौसी अंदर हैं और छोटी वाली मौसी यहाँ पे कूट रही है, और यहाँ पे इनके यहाँ अम्मा भी आ रखी हैं एक, क्योंकि इनकी दीदी की सास है तो वो भी आ रखी थी, तो क्योंकि थोड़ा सा ही कम था तो इसमें बड़े डंडे से इसमें हाथ में लगने का डर था, तो हल्ला हाथ में लग भी जा रहा था, क्योंकि जब ज़्यादा होता है तब अच्छे से कूटा जाता है ये। और उसके बाद आ गए थे मौसा जी, और यहाँ पे मौसा जी कूट रहे हैं अब ये, वो कूट तो अच्छे से रहे एकदम दन दन करके, अच्छा आवाज भी आ रही है मस्त वाली, लेकिन वही कि कम है मडुआ अभी, थोड़ा अगर ज़्यादा होता इतना ही और होता तब और मतलब मस्त सा कूट जाता इसमें, और हाथ भी नहीं थकते, और अभी मडुआ कम है तो इसमें हाथ में लगने का डर ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि मडुआ कम था ना तो ऐसे हाथ उसमें मारो तो दन अपने हाथ में उल्टा लग जाती है ऐसे, इसीलिए। और अभी आ गई हूँ मैं घर पे, तो अभी जा रही थी मैं मौसी के वहां अपने नीचे, मेरे मौसी नीचे रहती क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी एक हफ्ते से, तो मुझे पता भी नहीं था, मौसा जी ने कहा तबीयत खराब है तो इसलिए मैं नीचे गई थी, तो आपने देखा हुआ मुझे मडुआ कूटते हुए, क्योंकि उनका मडुआ था वहां पर पड़ा हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं भी मार देती क्योंकि बुखार आ रखा था मौसी को, इसलिए मैंने भी थोड़ा सा कूट दिया उनका। तो अब आ गई हूँ मैं घर में और देखती हूँ कासी कहाँ है, और कासी ने ये देख रो पूरा गुड्डा उड्डा नीचे फेंक के गई है पूरा, वो छत में चलते हैं अब छत में।
कैसे कहाँ गई? फैक्ट्री केक बना रहे भैया, केक बना रहे भैया। बर्थडे का या एनिवर्सरी का? अच्छा, यहाँ पर रोल पैक कर रहे हैं, क्रीम रोल। वो केक दिखाओ, जूम कर दे। ओ फट जा रहा है उसका, वो फट जा रहा है। क्या बन रहे भैया? बंद वहाँ पे बंद पक रहे हैं। बन 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 बोलते हैं बन। अच्छा, ये पूरे क्रीम रोल, इसमें क्रीम है नीचे पूरे बाल्टी में। चलो अब चलते हैं। जा रहे हैं बैग अपने घर को, बेभावी के घर से। बेभावी के यहीं पर ही है, क्या कहते हैं इसे, है बेकरी। अरे पेड़ भर जाता है ना, बल्लू सुन सुन के। अब हम जा रहे हैं घर को वापस घूम घाम के, और अभी आ गई हूँ मैं नीचे वाले रूम में अपने आप। और काशी सो गई है नीचे, काशी के इधर से तकिए लगा दिए पूरे, इधर उधर चली जाती है ना इसलिए। और ये नीचे वाले कमरे में ही सोते, क्योंकि हमारे ये नीचे वाला रूम है हमारा, तो नीचे वाले रूम में आए हैं। तो खाना पीना हो चुका है और टाइम हो रहा है 9:05 हो गया है। तो आज की वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुश रखिए एक दूसरे को। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।